हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे 22 टेबल टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में, जो आरआरबी साइको के एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें टोटल कितने 10 क्वेश्चन रहते हैं, जो कितने 5 मिनट में करना होता है। तो अब हम इनको देखेंगे, समझेंगे इनको, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपन समझ रहे हैं। बाकी इनको 5 मिनट में करना होता है 10 क्वेश्चंस को। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, द नंबर अपोजिट टू द लेटर। इसमें बोला है द नंबर अपोजिट टू द लेटर इन बिटवीन R4 एंड D2। तो इसके बीच में कौन सा है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट में देखो, ये लेटर और नंबर होते हैं। तो A क्या होगा, लेटर होगा, बन क्या होगा, नंबर होगा। तो ये इसके बिटवीन में कौन से हैं, इन दोनों के बिटवीन में ये है कंपोनेंट A1। और इसके अपोजिट में आप क्या पूछा है, इसके अपोजिट कौन सा नंबर है, तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये 4 है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर बाइल मूविंग फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें बोल रहा है बेस्ट से ईस्ट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो, क्लॉकवाइज तो इस तरीके से हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरीके से हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो बाइल मूविंग फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बेस्ट से ईस्ट चल रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं। तो द नंबर अपोजिट टू द लार्जेस्ट नंबर इज, तो नंबर बताना है जो लार्जेस्ट नंबर के अपोजिट में है। तो देखो, अब इसमें देखते हैं, बेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, इसमें लार्जेस्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है, इस रूट में लार्जेस्ट नंबर 8 है। इसके अपोजिट कौन सा नंबर, इसके अपोजिट भी 8 है, क्योंकि इसके सामने है ना, तो अपोजिट में कौन सा 8 नंबर कौन सा है, 8 है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मूविंग फ्रॉम द नंबर विच इज़ अपोजिट टू G6। तो अब मूविंग फ्रॉम द नंबर विच इज़ अपोजिट टू G6, तो G6 के अपोजिट पहले देखो कौन सा नंबर है, G6 के अपोजिट कौन सा नंबर, G6 के अपोजिट है ये है G6, इसके अपोजिट कौन सा है D2, ये कंपोनेंट है। इसमें 2 ये नंबर है, D2 ये कंपोनेंट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मूविंग फ्रॉम द नंबर विच इज़ अपोजिट टू G6, तो अपन ने ये पता लगा लिया D2 उसके अपोजिट में है। राइट हैंडली बोल रहा है, राइट हैंड हैंडेडली अप टू K2 तक। तो उसका तो देखो, इसमें राइट हैंडली मीन्स मतलब होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाना, और लेफ्ट हैंडेडली अगर बोले तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, याद रखना। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे कि ये कंपोनेंट है, तो यहाँ पे एक इधर मुँह करके आप अपने को मतलब इमेजिन करो, इधर मुंह करके आप खड़े हो, तो अब आपका लेफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, और राइट हो जाएगा इस साइड। तो राइट हैंडेडली बोले तो मतलब इधर डायरेक्शन में चलना, और लेफ्ट बोले तो इधर, जो भी पोजीशन बोले आप हमको हमेशा ऐसे इमेजिन करना, जैसे कि अगर इस पर बोले तो इस पर इमेजिन करना, आप यहाँ पर खड़े हो इधर मुंडी करके मतलब सर करके इधर देख रहे हो, तो इसमें लेफ्ट हैंडेडली बोले तो किधर होगा, लेफ्ट हैंडली इधर इधर होगा और राइट इधर होगा। तो ये याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब अपन क्या जा रहे हैं, विच इज़ अपोजिट टू G6, राइट हैंडली अप टू K2। तो यहाँ से अपन कहाँ जा रहे हैं, K2 तक जा रहे हैं, देन द मिडिल नंबर इज, तो इन दोनों के बीच में मिडिल नंबर कौन सा है, तो 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें राइट हैंडली बोला था इसलिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन चले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, म्यूचुअली एक्सचेंज द लेटर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो अपने को इसमें क्या करना है, जो लेटर्स है, लेटर्स की बोल रहे हैं, नंबर का नहीं बोल रहा है, ये याद रखना। इसमें बहुत लोग गलत करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज द लेटर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसमें कहाँ पे है एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है इसमें, नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा। इसका क्या बोल रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज द लेटर, तो एच को किससे, एंड साउथ ईस्ट, म्यूचुअली एक्सचेंज करना अपने को साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के लेटर को। साउथ ईस्ट का लेटर कौन सा है, ए है, और इसका कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट का एच है। तो मतलब इसमें क्या करना है अपने को, इसमें जैसे कि एच है यहाँ पे, तो एच यहाँ पे हो जाएगा, मतलब H1 इस तरीके से हो जाएगा, और ये ए इधर पहुँच जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, इस तरीके से बोल रहा है ये यहाँ पे, मतलब एच इस साइड का इस साइड पहुँच गया है, ए इस साइड का इस साइड पहुँच गया है, तो इस तरीके से ये बोल रहा है। तो उसमें उसके बाद बोला है, चूज़ अल्फ़ाबेटिकली द लास्ट लेटर इन द वॉच टेबल। तो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर अपने को इसमें चूज़ करना है, एंड तो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर अपन चूज़ कर लेते हैं इसमें पहले। तो इस अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर आ रहे, इस अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर मतलब जो अल्फ़ाबेट में लास्ट
मतलब सबसे लास्ट में आता है, तो इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा आता है? सबसे लास्ट में आता है स्टेबल में से, बताना आपने तो स्टेबल में से सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है? आर आ रहा है, बाकी तो उससे पहले आएंगे। तो इस तरीके से ये अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर ऐसे निकालेंगे इसमें, चूज़ द अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर इन द वॉइस टेबल एंड मूव राइट हैंडेडली अप टू नॉर्थ वेस्ट। तो अपने को क्या करना है, आप राइट हैंडेडली मूव करना है नॉर्थ वेस्ट तक। तो राइट हैंडली मीन्स क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट तक। तो इधर से जाना है कहाँ तक? इधर से, इधर से, इधर से जाना है नॉर्थ वेस्ट तक, मतलब यहाँ पर तक आ गए, यहाँ पर अब आ गए। तो व्हाट इज़ द लास्ट नंबर? तो इसमें पूछा है अपने को लास्ट नंबर क्या होगा। लास्ट नंबर मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो नंबर यहाँ पे जो प्लेस होगा। देखो यहाँ पे अपन ने पहले ही बताया था म्यूचुअली एक्सचेंज करे थे लेटर ओनली, तो नंबर तो यहाँ पे सेम रहेगा, तो इसलिए आंसर तो 4 ही होगा इसका, क्योंकि अपन ने लेटर चेंज करे थे, एच इधर आ गया था, ए इधर आ गया था, तो इसलिए इसके लेटर चेंज हुए थे और नंबर चेंज नहीं हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड बी द नंबर लेफ्ट ऑफ आर फोर आफ्टर एक्सचेंजिंग ए वन विथ के टू। तो ए वन को के टू से चेंज करने पर, ए वन को के टू से चेंज करने पर, तो ए वन यहाँ पे कहाँ पे? ए वन यहाँ पे है और के टू यहाँ पे, इनको एक्सचेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे के टू हो गया, के टू हो गया, और यहाँ पे ए वन होगा के टू की जगह, के टू की जगह ए वन हो गया और इधर के टू हो गया इस तरीके से। व्हाट विल बी द नंबर लेफ्ट ऑफ आर फोर? तो आर फोर के लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा? लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन लेंगे यहाँ पर, तो एक्सचेंज तो अपन ने कर दिया अभी। लेफ्ट ऑफ आर फोर, आर फोर यहाँ पे कहाँ पे? तो आर फोर यहाँ पे है और इसके लेफ्ट में कौन सा है? ये है टर्न। उसमें क्या पूछा है? नंबर पूछा है, तो नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है व्हाट विल बी द नंबर पूछा है, तो नंबर आर फोर के लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 8 है। देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, लेकिन इसका इससे लेना देना है नहीं है, वो तो क्वेश्चन में दे दिया है, क्योंकि इधर से इसका कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन में आप पूरा रीड करोगे तभी आप सोल्यूशन कर पाओगे। इसके लेफ्ट में पूछा है तो लेफ्ट में तो 8 आंसर हो जाएगा इसका, बाकी ये इनने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर। तो अपने को अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर, तो इसमें अपन ने अभी चूज़ कर लिया था पहले भी पता है आर है इसमें, एंड मूव सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल मूव करना है लेफ्ट हैंडेडली, मतलब आर फोर से अपने को सेमी सर्किल मतलब चलना है 180 डिग्री लेफ्ट हैंडेडली, मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ से अपन कहाँ पर आ गए? के टू तक आ गए, 180 डिग्री हो गए ना, यहाँ पर आ गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल द नंबर्स इनकाउंटर, जो भी नंबर आते हैं, द नंबर अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर, द नंबर अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ से अपन ये यहाँ से ये लार्जेस्ट अल्फाबेटिकली लास्ट नंबर कौन सा है? इसमें आर है, और इससे सेमी सर्किल बना के यहाँ पे लेफ्ट हैंडली बोल रहा है वो, तो यहाँ पे आ गए। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा पड़ा है? इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2 है। उसके अपोजिट में बोला है इनने द नंबर अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर इनकाउंटर्ड, तो 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट एवरी कंपोनेंट ऑफ बाज टेबल टू वन प्लेसेस राइट हैंडेडली, व्हाट इज द नंबर लेफ्ट टू द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर इन द सर्किल। तो ये अपने को बताना, देखो सबको सबकी पोजिशन वन शिफ्ट, मतलब शिफ्ट एवरी कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट को बाज टेबल को टू वन प्लेस राइट हैंडेडली शिफ्ट करना है, मतलब क्या हो जाएगा, जैसे G6 यहाँ पे है तो G6 यहाँ पे इधर जाएगा P8 की जगह, तो किस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि G6 यहाँ पे हो जाएगा और ये P8 है, तो P8 राइट हैंडेडली की बात कर रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो P8 इधर जाएगा, मतलब इसी तरीके से कंपोनेंट आएंगे, जैसे R4 इधर जाएगा, A1 था तो इधर जाएगा, तो मतलब इस तरीके से चलना है। तो उसमें ये दिया है, तो और क्या बोला उसमें, शिफ्ट एवरी कंपोनेंट ऑफ वाइज टेबल टू वन प्लेस राइट हैंडली, व्हाट इज़ द नंबर लेफ्ट टू द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर इन द सर्किल। तो अपने को बताना है नंबर कौन सा है लेफ्ट टू द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर। तो अब देखो अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर कौन सा है? आर है। इसके लेफ्ट में अपने को बताना है, अब लेफ्ट में क्या बताना है अपने को, व्हाट इज़ द नंबर लेफ्ट टू द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि आर अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर है और इसके अब लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 8 है। देखो अब कंपोनेंट चेंज करने से, मतलब उनकी पोजीशन वन शिफ्ट वन प्लेस चेंज कर दी, तो उससे पोजीशन तो चेंज हो रही कंपोनेंट की, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो यही रहेगी ना इसकी, मतलब R4, जैसे कि R4 यहाँ पे है, तो R4 यहाँ पे जाएगा वन प्लेस की बात कर रहे हैं, तो लेकिन जो
P8 है, वो भी तो यहाँ पे जाएगा ना, तो मतलब इनके बीच में मतलब कोई मतलब वो नहीं आएगा अंतर, ये तो आप मतलब यही रहेंगे कि मतलब इसके बाद यही आएगा। और जैसे D2 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 1 प्लेस चेंज करेंगे तो A8 इधर आ जाएगा और D2 किधर आ जाएगा, D2 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, म्यूचुअली एक्सचेंज द कंपोनेंट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ एंड डू द सेम विद वेस्ट एंड साउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेवल लेफ्ट हैंडेडली मीन्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अप टू नॉर्थ, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ, तो जो पाथ में जो नंबर पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर उसके अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो ये अपने को बताना है इस क्वेश्चन में। तो म्यूचुअली एक्सचेंज करना है कंपोनेंट ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ, तो ईस्ट का कंपोनेंट कौन सा है ये और नॉर्थ का कंपोनेंट ये है, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब R4 इधर चला जाएगा और G6 इधर आ जाएगा, इधर G6 आ जाएगा, इधर R4 पहुंच जाएगा। और यही सेम किसके साथ, बेस्ट एंड साउथ के साथ करना है, मतलब बेस्ट का जो कंपोनेंट है K2 वो साउथ की जगह पहुंच जाएगा, और साउथ का बेस्ट का कंपोनेंट है K2 इधर आ जाएगा और D2 इधर पहुंच जाएगा, तो मतलब बेस्ट की जगह, बेस्ट का कंपोनेंट साउथ पे और साउथ का बेस्ट अप पहुंच जाएगा, तो ये इसमें दिया है। अब उसमें दिया है क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से स्टार्ट करना है, ट्रेवल करना लेफ्ट हैंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू नॉर्थ, तो ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहाँ तक जाना है ये अपन देखो, यहाँ पे कहाँ पे नॉर्थ तक जाना है, तो यहाँ पे आ गए अपन नॉर्थ तक आ गए। व्हाट इज़ द नंबर अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ, तो जो यहाँ से अपन गए यहाँ से यहाँ तक, तो इस जो पाथ में स्मॉलेस्ट नंबर जो पड़ा है वो कौन सा है, बने ए बनी है, इसके अपोजिट में कौन सा नंबर है ये बताना है, तो 4 इसका आंसर होगा, 4 इसका आंसर होगा। बाकी ये एक्सचेंज कंपोनेंट तो आप करने ही है, जैसे G6 का R4, G6 R4 की जगह आ जाएगा, R4 G6 की जगह आ जाएगा, ऐसे ही इधर होगा कि बेस्ट का साउथ की जगह और साउथ का बेस्ट की जगह। लेकिन देखो ये क्वेश्चन सब पढ़ने के लिए इतना बड़ा देते ताकि पढ़ने में टाइम ज़्यादा खराब हो जाए, इस तरीके से एक क्वेश्चन देते हैं, वैसे इसका अफेक्ट इसमें पड़ा नहीं है कुछ जो कंपोनेंट दिए हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है लेफ्ट हैंड साउथ ईस्ट से ट्रेवल करना लेफ्ट हैंडेडली अप टू नॉर्थ, और उसके बाद बताना अपने को कि इस पाथ में जो पड़ा है अपोजिट नंबर बताना है स्मॉलेस्ट नंबर के, तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, उसके अपोजिट में 4 है अपोजिट नंबर, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। उसके बाद ये दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से स्टार्ट करना है मूव टू बेस्ट, तो सेंटर ये होगा, इससे मूव करना है बेस्ट की तरफ मूव करना है, एंड ट्रेवल 3/4 पार्ट ऑफ द कंप्लीट पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब देखो ये हो गया, ये होगा एक पार्ट, ये पार्ट मतलब 4 पार्ट हैं, तो अब कितने ट्रेवल करना, 3 पार्ट ट्रेवल करना, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अब यहाँ पे अपन पहुँच गए, यहाँ से चल गए ये यहाँ पे अपन पहुँच गए फाइनली। अब व्हाट इज़ द लास्ट नंबर, तो अब बताना इसमें जो लास्ट नंबर मतलब इस पोजीशन पे नंबर कौन सा है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 D2 दिया इसमें, तो 2 नंबर नंबर पूछा, इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ, तो साउथ स्टार्ट करना है, मूव करना है 135 डिग्री राइट हैंडेडली मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो साउथ किधर है, साउथ ये है, साउथ से मूव करना है 135 डिग्री क्लॉक वाइज पूछा है। देखो ये तो ये इधर से इतना 90 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री होता है, तो 135 मतलब यहाँ पे पहुँच गए अपन। अब इसमें पूछा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाना है ना, राइट हैंडेडली दिया इनने, और व्हाट इज़ द लास्ट नंबर, तो इस पे जो नंबर है वो कौन सा है, तो H4 ये कंपोनेंट है, वो नंबर कौन सा है, नंबर है 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे ब्रेक वगैरह या टेबल टेस्ट जो भी है रो कॉलम वाला जो है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।